लोग बीच पर जाते क्यों हैं? लड़कियां नए दोस्त बनाने जाती हैं और लड़के सिर्फ मस्ती करने जाते हैं। बीच पर हर प्रकार के लोग जाते हैं, हर अलग प्रकार के कायनों के साथ। यहाँ बहुत धूप है तो टैन लेने का एक बढ़िया समय है। जितनी सूरज की चमक उतनी बेहतर, बस सही पोजीशन में आ जाएं। हे, मेरे आर्मपिट तक सूरज क्यों नहीं पहुंच पा रहा? टैन का फैन आसानी से अपनी शॉर्ट्स को स्टाइलिश थॉन्ग में बदल सकता है। मुझे अनइवन टैन से नफरत है। बढ़िया रिजल्ट के लिए कुछ भी करेंगे। वो चाहते हैं कि सूरज उनके पूरे शरीर को छुए। वाह, इतना लचीला। शायद एक रिफ्लेक्टर मदद करे। परिणाम मिल गया, टैन वाली त्वचा आखिरकार। हे लड़कियों, मेरी टैन देखो, तुम्हें पसंद नहीं आया? इस व्यक्ति को हमेशा भूख लगती रहती है। क्या उसने बीच को कैफेटेरिया समझा है? स्विमिंग, रुको, मैंने अभी तक खाया नहीं है। वैसे क्या कोई कौन बेच रहा है? तुम अभी भी भूखे कैसे हो? उसके पास खाने का पूरा बैग है। एक और सॉसेज और मैं स्विमिंग के लिए जा सकता हूँ। ओह नहीं, क्या मेरा खाना खत्म हो गया? नहीं, ये रहा मेरा खजाना। ओम नॉम नॉम। स्विमिंग करते हुए लंच बढ़िया है। हे, पानी उछालना बंद करो। मान लो तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है ना? सब जानते हैं कि अगर आपने बीच पर जाकर फोटो पोस्ट नहीं की तो आप वहाँ गई ही नहीं। पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रिप का खास अक्सर बन जाता है। हमें पूरे साल भर के लिए कंटेंट चाहिए। रेडी सेट गो। शुरुआत के लिए समुन्द्र के किनारे एक तस्वीर। कुछ कमी है। गर्मियों के स्पिरिट, हैरान मत होना अगर वो प्रॉप्स ले आए। जुनून दिखाओ और भावना। शानदार शॉट। और अब मैं बस स्विमिंग कर रही हूँ। मैं जिंदगी के मजे ले रही हूँ। क्या कोई मेरी तस्वीर ले रहा है? मुझे नहीं मालूम। सब कुछ जितना हो सके उतना नेचुरल होना चाहिए। ओह, एकदम जैसे शैम्पू की कमर्शियल की तरह। लेकिन रिजल्ट हमारी कल्पना से अलग है। बेवॉच इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी दोस्त को भी थोड़ी जलन हो रही है। वुप्स, तुमने ये क्या किया? तुमने इतनी अच्छी लुक बिगाड़ दी। किसने कहा था असली होने के बारे में? प्रैंकस्टर मन की अवस्था है। ये जोकर छुट्टियों पर भी अपनी आदत नहीं बदलते। उप्स, तुम्हारे पीछे क्या है? हाँ, कहाँ? अच्छा मजाक है। आपके जीवन में एक प्रैंकस्टर का होना बहुत खराब होता है। मैं तैरने जा रहा हूँ, मुझे तौलिया दो। आखिरकार चैन और शांति। तुम रिलैक्स और आराम कर सकती हो। हे, वो बुरा आइडिया था। प्रैंकस्टर आ रहा है। क्या शिकार सो गया? क्यों ना इसे दफना दें? ये बहुत मजेदार होगा। ओह, हे, तुम वापस भी आ गए, हनी। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे लगा हर लड़की बड़ी चेस्ट चाहती है। बहुत हो गया, मैं तैरने जा रही हूँ। पर प्रैंकस्टर रुकने वाला नहीं। रस्सी को खींचो। ओह नहीं। उप्स, मेरी बिकनी का बॉटम कहाँ है? फ्यो, मुझे मिल गया। हंसते रहो, वो वापिस आ रही है और तुम इसके लिए पछताओगे। जब सूरज ढलता है तो पिकअप कलाकार शिकार पर निकलते हैं। छुट्टी पर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रिसॉर्ट का आविष्कार और किस लिए हुआ है?
टारगेट चुना गया। शिकारी तैयार है। हे बेबी, क्या हो रहा है? क्या लड़कियों को परसिस्टेंट लड़के नहीं पसंद? जाओ यहाँ से बेवकूफ। लेकिन हर कोई बीच पर सोल में ढूंढने नहीं आता। पर ये नहीं रुकने वाला। मियाओ बेबी, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी किटी बनूं? मेरी किटी? इस खूबसूरत लड़की को जानवरों से एलर्जी है। वो फिर से असफल हुआ, पर कोशिश करते ही रहना हल है। तीसरी बारी आकर्षण है। बेबी, तुम इस सनसेट की तरह खूबसूरत हो। क्या? ये साफ है कि ये उसके लिए अच्छी रात नहीं है। एक खास साथी के मिलने की बजाय वो मुश्किल में पड़ गया। आउच! ठीक है, जाओ। मुझे वैसे भी तुम पसंद नहीं थे। तुम्हें पता है कि छुट्टियों पर एक अडल्ट होने की अच्छी बात क्या है? जितना चाहो उतना तैर सकते हो। तुम्हारे दोस्त आ गए। पानी अच्छा है, आ जाओ। ठीक है, बहुत स्प्लैशिंग हो गई। ब्र, बहुत ठंड है, हमें गर्म होना होगा। तुम बहुत नाजुक हो, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? अच्छी बात है कि एक असली स्विमर को किसी की जरूरत नहीं। अपने पिछले जीवन में वो एक शार्क होगा। ये हैरानी की बात है कि उसके अभी तक गिल्स नहीं उगे। उसके दोस्तों ने घर जाने के लिए पैक भी कर लिया और वो अभी तक पानी में ही है और वो रुकेगा नहीं। वो अंधेरा होने पर बाहर आएगा, लेकिन सिर्फ सोने के लिए। और सुबह, ये मैं फिर से तैर सकता हूँ। आराम करने के लिए बीच सबसे अच्छी जगह है। गर्म धूप और लहरों का शोर, क्यों ना प्रकृति से जुड़े और बिना कपड़े पहने धूप सेकें। आखिरकार आप अपने शरीर और आत्मा को आराम देते हैं, तभी आप इनर पीस पा सकते हैं। दूसरे लोग शायद सहमत नहीं होंगे। वाह, तुमने वो देखा? पर एक असली न्यूडिस्ट परवाह नहीं करती। तुम क्या देख रहे हो? तुमने पहले कभी किसी को बिना कपड़ों के नहीं देखा? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम करने दो। बीच बहुत रोमांटिक जगह है और बहुत से हैप्पी कपल्स यहाँ आते हैं। कितना खूबसूरत दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। बढ़िया वेकेशन लग रही है। मुझे ज्यादा मिस मत करना, मैं अभी वापस आती हूँ। पर मैं तुम्हें कैसे मिस ना करूँ? मुझे मेरी सोलमेट के लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बहुत प्यारा है। बदकिस्मती से बीच पर सिर्फ वो ही अकेले कपल नहीं है और कठोर सच्चाई ने उन लव बर्ड के प्लान को बिगाड़ दिया, सिर्फ उस बेवकूफ प्रैंकस्टर की वजह से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ओह नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने अपना भी तोड़ा, कितना बुरा हुआ। हमारा रिश्ता खतरे में है। ये अच्छी बात है कि असली सोलमेट ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते और आखिर में प्यार जीतता है। लोग समुद्र पर क्यों आते हैं? सही कहा, तैरने के लिए। ब्र, ये इतना ठंडा क्यों है? अरे नहीं, मुझे ठंडे शावर पसंद नहीं, पर फिर भी मुझे तैरना है। और जब ठंड हो तब वो क्या करते हैं? सही कहा, वो गर्म कपड़े पहनते हैं, थर्मल लेगिंग्स, जुराबे, एक जैकेट और एक टोपी। मैं तैरने के लिए तैयार हूँ, ठंड ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। आउच, आउच, आउच! ये चुभने वाली हवा कहाँ से आ रही है? और ये जैकेट मुझे गर्म क्यों नहीं रख रही? ये बहुत महंगी थी।
बहुत सारे लोग समुद्र में तैरते हैं, लेकिन सिर्फ समझदार लोग ही अपने साथ बाथ एक्सेसरी लाते हैं, एक लूफा, बॉडी वॉश और एक शार्क कैप, एक विशाल बाथटब सिर्फ मेरे लिए। उप्स, सिर्फ मेरे लिए नहीं। एक तीर से दो निशाने, ये बढ़िया है। आप तैर सकते हो और नहा सकते हो। खैर, हेलो, अब हम पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी कहाँ है? बिना एयर मैट्रेस के स्विमिंग आप ऐसे करेंगे ही क्यों? ये बहुत आरामदायक होता है। सोना और तैरना सबसे अच्छा है, पर कई बार स्लीपी तैरना बहुत मुश्किल में डाल देता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। हे तुम, वहाँ किनारे पर, मैं खुले समुद्र में बहता जा रहा हूँ। SOS! अगर आप किसी को ऐसी स्थिति में देखें, तो लाइफगार्ड को बुलाएं। कई लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। आखिरकार खतरा हर जगह है, खासकर समुद्र में। सब लो लहरों, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एक फाइटर के लिए सबसे जरूरी चीज शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। इसे पकड़ो। क्या तुम मुझे नीचे ले जाना चाहती हो? तुमने गलत इंसान पर हमला किया। तुम हार मानती हो? सही कहा। तूफान इस समुद्र को शांत करो। मैं लहरों को पालता हूँ। और अब तुम जमीन पर वापस जा सकते हो। समुद्र को सावधान रहना चाहिए। मैं जीत गया। क्या आपको हमारी बीच पर अलग प्रकार की लोग वाली वीडियो पसंद आई? आपने ये गर्मियाँ कैसे बिताई? क्या आप छुट्टी पर गए? हमें कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर कोई मजेदार स्केचेस मिस ना करें।